अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर वली और आप देख रहे हैं ई बॉक्स। नाजरीन, पाकिस्तान में जो बेसब्रे लोग रहते हैं, पता नहीं यार उनको क्यों शौक होता है कि यार वो बाहर जाएं, पता नहीं क्यों यार शौक है। अक्सर यार मैंने देखा है फेसबुक पे अंग्रेजनिये फंसा के, फिलिपीनिये फंसा के उनसे चैटने करने में लगे होते हैं। बोझी जे छणगणा नहीं होता तो नहरां दे ठेके लैण टुरे ने। पता नहीं यार इन्हां नूं है कि हुण अज यार पता नहीं, मैं अज एक मुंडे नूं वेख्या ओ कुड़ी दे नाल गल कर रहा है, उन्हूं बस ये कहना चाह रहा सी कि यार मैनू बस बाहर ले जा। पता नहीं की अंब पे ने यार जड़े इन्हां ने टुकणे ने जाके होते हैं। मैं तैनूं कह रहा समझ आ, पाकिस्तान च जो पिया वो किते कुछ नहीं पिया। इत्थे ते इस्लामी औरतां यार माशाल्लाह इन्ना प्यारा व्यू यार, इत्थे इन्ना प्यारा इस्लाम है जिदे मुताबिक यार साड़ियाँ औरतें इस्लाम दी चार दीवारी दे अंदर रह के शादी कर दिए ने। तुहानू पता नहीं की बाहर जान अंग्रेजनी है यार, कुछ नहीं पिया, ना जाओ ठीक है। तो चलो नाज़रीन अज चलने आ मुंडिया वाल, उन्हां दी जरा छतरोल करने है कि यार क्यों जाना चाहते ने, की वजह की है आखिर। तो चलो नाज़रीन चलते हैं। इधर आ फेसबुक मॉडल गल सुन। अमेरिकन फसा लिया बाहर जान का क्यों शौक रखते ने, मेनू ए बारे जरा दसा खुल के। अस्सलाम जी, यार आप खान है या पहले ये बताइए, गिलगती हैं? मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से, माशाल्लाह यार हमारा पाकिस्तान का फख्र है यार, ये बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मीठे लोग हैं और बहुत अच्छा लगता है इनसे जब मिलते हैं हम लोग। और अच्छा यार मुझे ये बताओ कि अगर आपको किसी आउट ऑफ कंट्री का यानी यूरोप जाने का मौका मिले तो कौन सी कंट्री जाओगे? हाँ तो फिर किसी और नु फाड़ने हैं यार, पता नहीं क्यों रखते ने शौक। अच्छा मेरी गाल सुनो, तुझको नजर नहीं आ रहा है, नु फाड़ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? उधर देख के बात करनी है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, अगर तुम्हें यूएसए का वीजा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सीधा यूएसए जाऊंगा। यूएसए जाओगे? अच्छा यार मकसद क्या होगा वहाँ जाने का, पिछले मुझे ये बताओ। फरान यार ये बताओ कि बाहर जाने के लिए जो अक्सर लोग तड़प रहे होते हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, कहते हैं कि यार बाहर जाना है, बाहर केड़ी ऐसी यार जड़ी चीज है उन्होंने खींचती है यार, उनका ना माइंड ऐसा है। अब हम क्या कह सकते हैं, ऐने फेसबुक मॉडल आज दी जनरेशन जड़ी है सब तो ज्यादा अंग्रेजनिया ना गला करन वाले बच्चे ने, ठीक है। ए तो मेनू लग ही रहा यार, हाजिर है भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मेनू ये दस किनिया को अंग्रेजनिया फसाईया ने फेसबुक? कोशिश बड़ी किया, होती एक भी नहीं। वो एक भी नहीं, क्यों, क्या वजह क्या? पंजाबी में बताऊं या उर्दू में बताऊं? जिवे जे मर्जी दस, खुला माहौल है, दस बरा इधर वेख के गल। पाकिस्तान कोई इस्लामी माहौल है, इस वजह तो कोई यानी कि इन्हां दी रहनुमाई इस तरह की जाती है कि बेपरदा औरत नाल तू ना बोल, जिथे मैं तेनू कह रहा वो पंजाबी बोल दे कोई मसला नहीं, तेनू अड़ रही है, फिर कितने कोई उर्दू फस गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान च इस गल थोड़ा इशू ज़्यादा लिया जाता है, इस वजह तो फिर आउट ऑफ कंट्री लोग जो रेंदे ने उतों की लड़कियाँ बेहजाई कुछ ज़्यादा होंगी, तो इस वजह तो फिर सारी चीज़ मद्देनजर रख के फिर पाकिस्तान जेडे चस्के लैन वास्ते फिर वो बाहर यानी कि नंबर शंबर लै लेंगे, फिर आपकी गप शप चलाते हैं। अच्छा हाँ जी, तो गप शप च की मजा यार, पाकिस्तान ची वो चीज़ा नहीं पई, पाकिस्तान ची औरत मर गई हैं, मैंने ये दसो पहले। अरे कुड़ियों मुंडे हो, कुड़ियों खास करो बुरा ना मनना, तुम कह दिया मर गो ठीक है, दसो जरा। उ तो मैं कह रहा कि पाकिस्तान थोड़ा इस्लामी माहौल है ना, इस तरह इस वजह तो फिर नहीं करते, तो उधर बेशर्मी ज्यादा होंगी है, तो फिर इस वजह तो उन्होंने फिर गलें शल कर लेंगे ने, आपका टाइम पास कर देने, कुछ टाइम पास कर देने, कुछ फिर जो ठरकी होंगे ने तो उन्होंने फिर तुम पता ही है। अगर बाहर यूरोप का मौका मिले तो बाहर कंट्री जाने का तो मैं दुबई जाऊंगा। दुबई जाओगे? दुबई हाँ। अच्छा बिल्कुल। अच्छा दुबई क्यों जाओगे मुझे ये बताओ? बस शौक, अब तो एक शौक होता है बाहर कंट्री जाने का तो दुबई। अच्छा यार मुझे ये बताओ यार, ये जो अक्सर लड़कियां फंसा के बैठे हुए हैं बाहर की, या फिलिपाइन इधर उधर की, अमेरिकन जो लड़कियां, ब्रिटिश ये जितनी भी हैं मतलब के, तो ये पाकिस्तानी क्यों शौक रखते हैं कि यार असी बस बाहर जाके ही बनना है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रह के बन सकते यार वो लोग, मुझे ये बताएं बस आप। तो बाहर मतलब बाहर वाली लड़कियों में फायदा है ना, अगर फंसाए तो बंदा बाहर फायदा किस चीज़ का? बाहर जाता है, वहाँ की रिहाइश मिल जाती है, अगर उनकी शादी करो तो फिर वो मुसलमान भी होती है। सबसे पहले बात तो ये है कि वो मुसलमान होती है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है। हाँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात की है यार इसने, वो मुसलमान होती है और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम किसी को मुसलमान करें। बहुत अच्छी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
जुहैब खान। जुहैब खान, अब ये बताएं कि यार आपको बाहर की लड़कियों में क्या खूबी, इस तरह की क्या चीज अच्छी लगती है जो हमारे पाकिस्तान कहते हैं कि यार बस बाहर जाना ही है, बाहर जाना ही, बाहर जाना, रोंदे रहते ने, उन्होंने मिन्नता करते रहते ने कि यार असी जाना ही बाहर है, पता नहीं की पे है यार, मैंने दसो पहले। यार अभी दो टाइप के बंदे होते, कोई वो पैसों के लिए जाता है, अच्छा। कमाई के लिए, फाइनेंशियल वो उसके लिए, कोई लड़कियों के लिए जाता है। वो भाई ने बात की अभी, कह रहा है कि उधर उस उधर की नेशनैलिटी भी मिलती है, फिर बंदा उधर सेटल भी होता है, फिर बंदा पाकिस्तान आया तो फिर उसका एक नाम भी बनता है। ओ, स्टैंडर्ड बन जाता है। हाँ, स्टैंडर्ड बंदा होता है वो। आपको अभी आपको पता है ना, जो बंदा बाहर बैठ के आया तो उसका इधर थोड़ा अलग एक टेंशन होता है। फिर ये बात कही भाई ने भी बात कही कि बाहर से आके कोई अगर बाहर किसी से शादी की भी तो उसको मुसलमान। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको ये जो पंजाबी लोग हैं उनकी सादा लड़कियां पसंद है या गोरियां बाहर के? वैसे आपकी तो लुक लग रही है कि आप वाकई ब्रिटिश हो, ऐसा लग रहा है ना, जरा कमेंट में बताना आपने कि ये ब्रिटिश है ये क्या है, आपने बताना। अच्छा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो, हम तो इस लम्हे तो खुद बजात खुद ये लड़कियों में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पाकिस्तान की लड़कियों में? नहीं, मैं ये काम ब्रिटिश बाहर की गोरियों की बिल्कुल अपनी इंटरेस्टेड नहीं है आप? नहीं, मैं नहीं हूँ पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, अपने पाकिस्तान में जब कोई चीज मिलता है तो बाहर जाने की क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बंदे को इधर सब कुछ मिलता है अच्छे, उससे फिर बंदा बाहर क्यों जाए? जाए भी तो फिर अपना उधर अपना मुल्क का नाम रोशन करे कोई अच्छा काम करके। बिल्कुल लेना था यही कहना है यार बाहर जाने का की फायदा है, बेहतर यही है कि यार इत्थे ही रहो, इत्थे ही मजे लवो, ते अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करो। बाहर धक्के खान गए 3-4 साल उत्थे जाते जाते बुढ़े हो जाते पीजे बनाते, तो इन्होंने फिर भी अकल नहीं आती, फिर उत्थों आते ने, वहाँ जाकर खूब इंजॉय करेंगे, मौजे करेंगे। अच्छा। लड़कियां देखेंगे। अच्छा। और क्या करना है बस? नहीं, बशर्मो तानू इत्थे पाकिस्तान च कुड़ियां नहीं लभदियां। ये अपना मुल्क जरूर गंदा करना हैगा, बाहर मुल्क केस लई हैगा। माफ करे, देखो बे यही उधर फलान जानी है इत्थे नहीं। वैसे बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन उत्थे जाके भी चाहिए कि थोड़ा जा ख्याल करन, थोड़ा एहतियात करन। हां नाले उत्थों ना ये मसला हैगा कि उत्थे कोई पुछण दसण वाला नहीं हैगा, इत्थे किसी दे अब्बे नूं पता लग गया उन्हें डांगा नाल ही लम्मा कर देना। ये भी गल बिल्कुल सही है, डांगा ना लम्बे कर देना लेवल। और की कहना चाहेगा? बस यही है कि अपने मुल्क दे विच बेहयाई ना फैलाओ, दूसरे मुल्क दे विच जो चाहते करो, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैनू ये दस किनियां मशहूकां नी मेरियां? अनगिनत ओए ना वे मुंह ऐडा हुए ते अनगिनत है, गल किड्डी वड्डी करती ओए, अपने भार दे मुताबिक गल कर। जरूरी तो नहीं कि मुंह वड्डा होए तो उन्नियां मशूकां वड्डियां होनियां, तुसीं वेखो एडे एडे फुल्ले होए कि उन्नियां नहीं लई फिरदे आ। वेरी गुड यार, वेरी गुड कॉन्फिडेंस है मुंडे च, किसी और नूं फांडे माइंड केंज दा माइंड यार। दस जरा तू भी एक मुंडा नहीं जो पाकिस्तान में कुछ कर सकता, वो बैठ जाके क्या करेगा? मतलब ये पता नहीं, मतलब कि यार अंग्रेजनियां फसाइयां होंदियां ने यार, अक्सर कहंदे ने कि यार वो कुड़ी सैट हो जाए तो पता नहीं बाहर जाके की हो जाना, ऐसा दवान पाकिस्तान च इन्हां को कुड़ी नहीं सैट होंदी ते बाहर जाने दे ख्वाब वेंदे ने, इहदे बारे तू की कहें? इधर बहन पुप्पो की बेटियां अकाल की बेटियों के पीछे पड़े हुए होते हैं, वो घास नहीं डालती, बाहर जाना हमने, बाहर जाके कहेंगे क्या, अंग्रेजनियों के ख्वाब नहीं पकड़ सकते। अच्छा, वैसे तेनू कभी पुप्पो की कुड़ी ने लिफ्ट कराई? बड़ा पैच करता ही नहीं करता। नहीं, मैंने दस जरा कभी पुप्पो की कुड़ी ने लिफ्ट कराई तेन? नहीं, मैं पुप्पो की बेटी करता ही नहीं, फैमिली में तो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्या फैमिली में इस तरह का क्या रीजन? फैमिली में बहुत बड़ा इशू बन जाता है सीधी बात। किस तरह का इशू आप बताएं? फिर जब नहीं उधर देख के बात करें ना, किस तरह का इशू? यार रिस्पेक्ट बंदे की कम हो जाती है। अच्छा, फैमिली से बंदा बाहर जड़े पाकिस्तानी करते ने, मतलब के लोग फैमिली से शादी हो उन्हें रिस्पेक्ट काटे? यार उनका और हिसाब होता है, वो पेंडू टाइप होते हैं, ठीक है उनमें चलता। तू कड़ा शहरी है यार? यार किधर से लगता हूँ शहरी आपको? नहीं तो फिर तू गल ऐसी ग्रीन टोन में बागड़ियाँ बाबा ही बागड़ियाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आपका नाम? इरफान भाई, आप ये बताएं यार, माशाल्लाह आप डिसेंट लगे हैं मुझे, और अभी मैं यहाँ पे आइडियल पार्क में मौजूद हूँ, टाउनशिप बाज़ार, खासकर आइडियल पार्क का, और आप मुझे ये क्या कहना चाहेंगे यार बाहर जाने के हवाले से? आपको कोई बाहर का वीज़ा मिले कौन से मुल्क जाओगे? मैं किधर भी नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? अपना मुल्क अपना होता है। अपना मुल्क अपना होता है,
तो वैसे यार ये जो जाना जाते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? अक्सर लाम लगी हुई है यार, जाना 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 केड़ी ऐसी चीज है जेडी उन्होंने उड़ांदी है? उन्होंने बस शौक होता है दूजिया नु देख के चढ़ जांदा है। अच्छा, दूजिया नु देख के? हां, बाहर ऐसी कोई चीज नहीं? नहीं, जान के की करणगे, मां-पियो तो दूर होणगे। अच्छा, की करणगे? बीमार होएगा, घर वाला कोई नहीं होएगा। यार बेली जिदा दिल करेगा लेगा अस्पताल, वरना प्यार रहेगा। जड़े फोत हो जाने डेड बॉडी 8-9 हफ्ते पई रहती, एयरपोर्ट ते आंदे आंदे 2-3 हफ्ते लग जाते आंदे आंदे बॉडी का सत्यानाश। जड़ा कबर च अजाब मिलना उन्हें उत्थे ही मिल जाता दुनिया के उत्ते उत्ते। बिल्कुल यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी गल की यार इन्हें। कहता है कि यार जो पाकिस्तान च रह के सुकून है ना, वो तुम्हें कितने नहीं आ सकता। ठीक है, तो यह जी जिन्हों के दिलों से गलत फहमियां ने कि यार असी बाहर जाके बन जाना, और जिन्हों को पाकिस्तान के रह के कुछ नहीं होया ना, उन्होंने को बहर जाके भी कुछ नहीं होना। ठीक है, बेहतर यही है कि पाकिस्तान का नाम रोशन तुम करो, ताे च जनून है। जिमें मैं रुल रहा वा ना इंटरव्यू कर, तुम भी इंज कितने रुल। ठीक है, ताे च जनून है, तुम जी लाम लगती है ना कि यार बहर चलीए बहर चलीए, कुछ नहीं पिया बाहर दे मुल्क, कुछ नहीं पिया यूरोप मुल्क च, बेहयाई जे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंजॉय करनी, एंजॉय एंजॉय कुछ नहीं। बेहतर यही है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करो। पता नहीं क्या मसला पसंद ही नहीं आती। पसंद? ओए पागल, वो रिजेक्ट करती है पसंद, तुम्हें क्या नहीं आती? हमें भी नहीं आती ना, मिलना भी नहीं होता, ऊपर से बात कर करके क्या करना है हमने। अच्छा अच्छा यार, मैंने अक्सर सुना है कि यार वो ये पिछले दिनों एक अंग्रेजनी ने ना पाकिस्तान के लड़के से 40,000 रुपये खा लिया, तो उसके बाद उसको उसका नंबर ही शुमरी ब्लॉक लिस्ट पे लगा दिया, और फेसबुक पे भी उसको ब्लैक लिस्ट पे लगा दिया। तो ये क्या चक्कर है? हाँ, इसी वजह से तो हम बात ही नहीं करते। ये होता है लड़कियाँ, आपको पता है यार कैसे की लड़कियाँ आजकल। अच्छा, बहुत ज्यादा पैसे खाती है इसलिए ना बात करते हैं ना कुछ। दफा मारो, अपने मगन में रहो बस। अपने मगन में रहो? अपने मगन कहाँ रहे बस? बस कोई मोहल्ले में सेट करो, उसके साथ ही ब्याह हुआ करो। सही मोहल्ले च, मोहल्ले वाले मोहल्ले च लभदी नहीं कोई ऐसी, तो की करिए? नहीं हमें तो मिली भी है भाई, हमें दो दो तीन नहीं, किनिया को फसाइयां मोहल्ले च? सच बताऊंगा झूठ बोलो? नहीं सच बताना। 18? ओए अल्लाह माफ करे, 18? ए खड़ा हो इधर एक बारी, ए सेहत है भाई दी, 18 फसाइयां जी? तू किनिया फसाइयां है यार? फसिए नहीं, की करा पाकिस्तान में भी रह के वहां पे ज्यादा प्रोटोकॉल है। तो यहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिलता? नहीं इतना नहीं मिलता। नहीं क्यों? देखो यहाँ पे बात करनी है इधर से गाली आ जानी है उधर थोड़ी बहुत इज्जत हो। तो जी नाज़रीन, साडा प्रोग्राम इत्थे तिकर, नेक्स्ट वीडियो च मिलने हैं धूमधाम नाल। अल्लाह हाफिज। तुसी भी कह दो ई बॉक्स नो सब्सक्राइब करो, ई बॉक्स को सब्सक्राइब करो, ई बॉक्स नो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब दिस चैनल ई बॉक्स।